सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूलस के बारे में। मॉड्यूलस बेसिकली होता क्या है? अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में से रिप्रेजेंट करेंगे अगर, तो सपोज़ यहाँ पे एक पॉइंट आएगा x कॉमा वाई, ये ओरिजिन है हमारा। तो बेसिकली मॉड जो होता है वो डिस्टेंस होता है इस पॉइंट का ओरिजिन से। अगर इस पॉइंट को हम p कंसीडर करें तो op जो डिस्टेंस होगा वो हमारा मॉड होगा, मॉड ऑफ z। तो इसका डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ये हमारा x है, ये y है, तो फिर op स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये लिख लिया op स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो op जो होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, और op को ही हम मॉड ऑफ z कहते हैं। तो हमारा मॉड z हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड z जो हो गया वो हमारा बेसिकली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। तो ये तो था हमारा मॉड z। अब सेकेंड टॉपिक है वो है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो ये जो OP है ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, अगर हम ये एंगल कंसीडर करें थीटा, तो ये हो जाएगा वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है कि ये वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट है, बिकॉज अगर हम यहाँ से अगर हम 2π ऐड कर दें तो हम फिर से यहाँ पे पहुँच सकते हैं, और ऐसे करके अगर हम फिर से यहाँ पे आए 2nπ अगर हम फिर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम फिर से इस पॉइंट पे पहुँच सकते हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, इसे हम बोलते हैं। तो आर्ग्यूमेंट को हमने डिनोट कर लिया थीटा के साथ। इफ़ OP मेक्स एन एंगल थीटा, इसे हम लिख लेते हैं, इफ़ OP मेक्स एन एंगल थीटा विथ रियल एक्सिस देन थीटा इज कॉल्ड वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट बिकॉज वी कैन एड और सब्ट्रैक्ट 2π और -2π। तो ये था हमारा आर्ग्यूमेंट के बारे में। अगर आर्ग्यूमेंट हमारा कॉन्स्टेंट होता है, सपोज अगर π/4 है, तो ये बेसिकली इसे हम रे कहते हैं। अगर आर्ग्यूमेंट कॉन्स्टेंट हो जाए तो वो बेसिकली रे कहलाता है। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए हम कंसीडर करेंगे आर्ग्यूमेंट, हम लेंगे -1 -√3i का। तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट -1 -√3i का वैल्यू निकालेंगे। चार ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है 4π + 4π/3। ऑप्शन बी है -9π + π/3। ऑप्शन सी है -7π + 4π/3। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एवर। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो पॉइंट है ये हमारा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एक्स है हमारा -1 और वाई है हमारा -√3। तो समवेयर यहाँ पे हो रहा है ये पॉइंट।
ये है हमारा थीटा, ये वन, ये रूट थ्री हो गया। तो यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री बाई वन, और हम इसे कह सकते हैं 60 डिग्री, और हम कह सकते हैं पाई बाई थ्री। तो थीटा हो जाएगा हमारा पाई बाई थ्री हो जा रहा है। तो बट पाई बाई थ्री की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ हो जाएगा हमारा पाई। तो फाइनल वैल्यू हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई थ्री। तो इसे हम लिख सकते हैं 4π/3 प्लस 2nπ, जैसे कि आर्गुमेंट के बारे में हमने बताया था पहले। तो अब यहाँ से चेक करेंगे कौन कौन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू अगर हम 2 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा 4π प्लस 2 × 2 4π। तो ऑप्शन ए तो सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी के बारे में देखेंगे। ऑप्शन बी को हम लिख सकते हैं -9π प्लस पाई बाई थ्री प्लस पाई माइनस पाई। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारा आ जाता है 4π/3, और ये हो जाएगा -10π। तो अगर हम n का वैल्यू -5 रखें, तो फिर ये आ जाएगा हमारा 4π/3 -10π। मीन्स ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी भी सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह हम करके चेक करेंगे, तो हमारा बस ये दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।